आज मैं लेके आई हूँ एलिफेंट मेहंदी डिज़ाइन, जो कि नॉर्मल और ब्राइडल दोनों में यूज़ होता है। ये जो डिज़ाइन है, इसमें आप बहुत ही सिंपल तरीके से एलिफेंट की डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। और इस वीडियो में आपको मिलने वाली है सारी डिटेल एलिफेंट की डिज़ाइन बनाने की। ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा था, इसलिए मैंने इसे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, तो एक पार्ट और मैं आपको जल्दी शेयर करूँगी। तब तक आपको इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ये बहुत सिंपल है, जैसे मैं क्रिएट कर रही हूँ, एक राउंड मैंने उधर बनाया है, एक राउंड मैंने इधर बनाया है। एलिफेंट की सूंड की तरफ मैंने अच्छे से उसको राउंड दिया है। अब मैंने पैर का डिज़ाइन ये बना रही हूँ। इसमें दो पैर क्रिएट करके एक नोज का रहेगा। ये बहुत ही ईजी है, इसमें आपको पीछे पूंछ नहीं बनानी है। ये बहुत सुंदर लगता है बनने के बाद। आपने काफ़ी डिज़ाइनों में ये डिज़ाइन देखा होगा कि एलिफेंट का ऐसा डिज़ाइन उन्होंने बना रखा है। तो ये सिर्फ सिंगल भी अपन पूरे हाथ के डिज़ाइन में अपन अगर बनाते हैं तो बहुत सुंदर लगता है। और इसके आसपास डार्क अपन फिलिंग कर लेंगे, जैसा अभी मैं आपको करके बताऊँगी इसमें। इसके अलावा अगर आप इसको ऐसे भी बनाना चाहते हो तो आप इजीली बना सकते हैं, टोटली आप पे डिपेंड करता है। देखिए, ये मेरा एलिफेंट का डिज़ाइन बन गया है। ये बहुत सिंपल है, इसको अगर आपको नहीं समझ आ रहा हो तो इसको स्लो करके बनाना सीखना। बाकी ये बहुत सुंदर लगता है बनने के बाद, वैसे आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। मैंने बहुत धीरे बनाया है, इसीलिए मेरी वीडियो भी बहुत लंबी होती जा रही थी, तो मैंने उसको दो पार्ट में कर लिया। अब मैंने जो कह रही थी मैं कि डार्क फिलिंग करना है, तो ऐसे साइड में डार्क फिल करके इसको आप पूरा फिल कर देना बॉक्स को। और आसपास तीन लाइनें देने के बाद, बॉक्स में जैसे मैंने लाइन बनाई है वैसे तीन लाइनें और ऊपर बॉक्स के ऊपर बना के उसके ऊपर कंगोरे की डिज़ाइन अगर आप बनाते हैं तो वो भी बहुत सुंदर लगेगा। इसके बाद टोटली आप अपने हिसाब से डिज़ाइन को मैनेज कर सकते हैं। ऐसे बहुत से पिक्चर्स मैं आपको आगे वीडियो में शेयर करने वाली हूँ, जिसमें मैंने एलिफेंट की डिज़ाइन का यूज़ किया है, वो सारी पिक्चर्स मैं निकाल के इस वीडियो में ऐड कर दूँगी, जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा, आपको एक आइडिया दे देगा कि हाँ मेरे को मेहंदी में एलिफेंट की डिज़ाइन कैसे डालनी है और कहाँ डालनी है। तो मॉम की मेहंदी बनाते हैं, ब्राइडल मॉम की मेहंदी बनती है जैसे, उसमें भी आप ये इजीली यूज़ कर सकते हो। बहुत अच्छे लगते हैं एलिफेंट की डिज़ाइन, मेहंदी की डिज़ाइन को उठा के दिखाते हैं। अच्छा, तो मैं ये इकोबा क्रिएट कर रही हूँ ताकि अगर आपको नहीं समझ आया, उसमें कुछ मिस्टेक अगर रह गई हो मेरी, तो इसमें आपको वो कवर हो जाए और बहुत अच्छे से समझ आ जाए। तो ये मैं डबल आपको क्रिएट करके बता रही हूँ। इसके साथ ही आप भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि आपको भी अच्छे से समझ आ जाए। दो तीन बार अगर इसकी आपके अच्छे से प्रैक्टिस हुई बिना लाइन टूटे और ऐसे, तो वो आप अच्छे से हाथ में ले लेंगे, अच्छे से समझ आ जाएगा। अच्छा, तो मैं आपको एलिफेंट की डिज़ाइन शेयर करने से पहले बता देती हूँ कि मेरा इंस्टाग्राम लिंक ऊपर दिख रहा होगा आपको, ये मेरा इंस्टाग्राम लिंक है। अगर आपको मेरी डिज़ाइंस अच्छी लगे या फिर मेरी समझाने की टेक्निक अच्छी लगती है तो आप मेरी डिज़ाइंस फॉलो कर सकते हैं। एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहती थी कि मैं जब फ्री रहती हूँ तब आपके लिए वीडियोज़ बनाती हूँ, पर मैं बहुत सी बार नहीं फ्री हो पाती हूँ तो मैं आपके लिए नॉर्मल डिज़ाइंस शेयर कर देती हूँ मेहंदी की, जो कि जिसमें वॉइस नहीं होती है। तो आप उसे वीडियो को, अगर कोई डिज़ाइन आपको अच्छी लग रही हो तो उसी वीडियो को आप थोड़ा सा स्पीड स्लो करके उसकी प्रैक्टिस करें ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। मेरा वीडियो डालने का भी यही रहता है कि आपकी प्रैक्टिस होती रहनी चाहिए, ऐसा नहीं कि मैं फ्री नहीं हूँ तो आप प्रैक्टिस ना कर पाए, इसलिए मैं वीडियो आपके लिए देती रहती हूँ। और एक्चुअली क्या, वॉइस रिकॉर्ड करके आपको पेश करने में बहुत टाइम लगता है, उतना टाइम नहीं मिल पाता है। जितना टाइम मुझे मिल पाता है उतना मैं आपके साथ शेयर करती हूँ प्रॉपर, तो प्लीज़ आप उस पर भी थोड़ा सा कॉन्सनट्रेट करें अगर आपको मेहंदी अच्छी सीखनी है तो। नेक्स्ट, मैंने अभी ऊपर की तरफ जो मैं अभी एलिफेंट का डिज़ाइन क्रिएट कर रही हूँ, ये मैंने थोड़ा सा डिफरेंट बनाया है इन दोनों से। इसमें अपन, इन दोनों डिज़ाइन में अपन एलिफेंट के कान पर नहीं ध्यान दिया था, अपन ने एलिफेंट का कान नहीं लिया था इसमें, तो इस वाली डिज़ाइन में मैंने एलिफेंट का कान भी लिया है और इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से बनाया है। तो अगर आपको वो भी अच्छा लग रहा हो या वो अच्छा लगे तो आप दूसरी चीज़ में आप वो यूज़ कर सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस अगर आपकी होती है, जो ये थर्ड वाला एलिफेंट मैं बना रही हूँ, इसकी प्रैक्टिस अगर आप करते हैं तो आपने देखा होगा कि एलिफेंट का एक बेल्ट बनता है। बेल्ट वाली डिज़ाइन में आप ये चीज़ ले सकते हो,
ये बहुत सुंदर लगेगी। एलिफेंट का बेल्ट भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी, वो भी बहुत सुंदर तरीके से बनता है, बहुत ही सुंदर लगता है वो भी बनने के बाद। तो आप ये सारे जो एलिफेंट में बना रही हो, इसमें आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप सारे यूज़ कर सकते, कोई भी ऐसा नहीं है जो आप नहीं यूज़ कर सकते हैं। इसमें कंप्लीट मैंने उसका बैक में उसके पीठ के ऊपर एक कपड़ा, अपन देखते हैं कभी कभी के डिज़ाइन को अपन उठा के कैसे दिखाएं, तो पीछे की तरफ पीठ के वहाँ पर अपन ने एक बॉक्स बना दिया है जिसमें अपन थोड़ा सा फिल कर देंगे ताकि वो डिज़ाइन और अच्छा लगने लग जाए, ठीक है। क्योंकि कान आने की वजह से अपन ने पहले जो एलिफेंट में कंगूरे दिए हैं वो चीज़ अपन इसमें नहीं दे सकते, वो चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए अपन ने उसके ऊपर एक बॉक्स दे दिया है जिसमें मैं अभी फिल कर रही हूँ। ये आपके हिसाब से आप कुछ भी फिल कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। ये एलिफेंट डिज़ाइन बिगनर्स के लिए है, अगर आप ये सब बनाना जानते हैं तो आगे एक वीडियो मैं आपको शेयर करने वाली हूँ जिसमें ब्राइडल एलिफेंट होने वाले हैं जो कि बड़े होते हैं ना, वो वाले एलिफेंट, वो भी बहुत सुंदर तरीके से मैंने क्रिएट करके आपको बताने की पूरी कोशिश की है। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर आपको कुछ नहीं समझ आता है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपका कमेंट का पूरा रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। और आपके कमेंट्स वैसे भी मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं, ये वीडियो भी मैंने उन कमेंट्स से रिलेटेड ही बनाने की कोशिश की है ताकि आपको समझ आ सके अच्छे से। मेरे को कमेंट काफ़ी अच्छे अच्छे आ रहे हैं तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच। अब मैं बनाने वाली हूँ बेल्ट का डिज़ाइन, मैंने दो डिज़ाइन क्रिएट किया है। इस बेल्ट के डिज़ाइन के अंदर मैंने दो एलिफेंट के डिज़ाइन क्रिएट किए हैं, जैसे मैंने आपको अभी कहा मैंने दो डिज़ाइन क्रिएट किए हैं, मतलब मैंने दो एलिफेंट के डिज़ाइन क्रिएट किए हैं जो कि दोनों में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए मैंने अलग अलग बेल्ट ना बना के दोनों में एक ही कर दिया है ताकि वीडियो भी बहुत लंबा ना हो और आपको भी समझ आ जाए। तो आप दोनों को अलग अलग यूज़ कर सकते हो, जैसे मैं जो अभी एलिफेंट का डिज़ाइन बना रही हूँ इसमें थोड़ा सा नोज़ का जो रहता है सूंड रहती है, जैसे एक मैंने अभी जो बनाया उसमें थोड़ा सा उठा के बनाया, ये मैंने पूरा राउंड सर्कल में बनाया था इसके पहले वाला। तो आपको जो अच्छा लगे आप वो चीज़ ले सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है, मैं दोनों तरीका आपको अच्छे से शेयर कर रही हूँ। अच्छा तो मैं एक और बात बता देती हूँ, वीडियो के एंड में मैं आपको एलिफेंट के डिज़ाइन से रिलेटेड बहुत सारी टिप्स शेयर करने वाली हूँ। तो आप पहले सबसे पहले नोटिस करिए कि मैंने कहाँ से स्टार्टिंग किया एलिफेंट का डिज़ाइन बनाना, मैंने उसके सिर से स्टार्ट किया, बिकॉज सिर से स्टार्ट करने से अपन को समझ आ जाता है कि एलिफेंट की नोज़ अपन को कितना आगे लेना है और एलिफेंट का कान अपन को कितना बड़ा लेना है। एलिफेंट का जो ऊपर का सिर का पार्ट है बहुत ज़्यादा ऊपर उसके कान नहीं जाने चाहिए, बहुत ज़्यादा ऊपर उसकी पीठ नहीं जानी चाहिए, वो थोड़ा इक्वल में रहना चाहिए। बेल्ट के डिज़ाइन में आपको अच्छे से समझ आ जाएगी ये चीज़, अगर इसमें आपकी मिस्टेक होगी तो एलिफेंट का डिज़ाइन अच्छा नहीं बनेगा, तो ये आप ध्यान रखना, ये बहुत याद मतलब बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ है। याद तो ठीक है, याद तो कुछ रहता नहीं है इन मेहंदी के डिज़ाइन में, तो कुछ याद नहीं रहता। बेल्ट की डिज़ाइन में ही सबसे ज़्यादा ऐसा लगता है बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल नहीं होता है, वो सिर्फ दिखने का होता है। अगर ये वैसे मैंने बहुत अच्छे से बना रखे धीरे धीरे, मेरे को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने कैसे बनाया है, कहाँ से क्या लाइन ली है, कहाँ से क्या किया है, या आप देखते देखते ही सीख जाओगे अगर आप इसको अच्छे से देखोगे तो। बस ये ध्यान रखना कि कोई भी लाइन किसी भी लाइन में मर्ज ना हो, बहुत ज़्यादा मिक्स ना हो, ये सिर्फ उसी का खेल है बस मेहंदी में, सब कुछ यही है कि बहुत ज़्यादा किसी में मिक्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में अपन ने एक वो डाला था सीप पे, पीठ की साइड पे, तो उसमें अपन ने डिज़ाइन डाला। तो मोस्टली मैं डिज़ाइन यही डालती हूँ चेक्स वाला, ताकि क्या होता है कि बेल्ट में पूरा फिल हो जाता है, पूरा फिल करने की वजह से वो डिज़ाइन अपन को खाली दिखाना है, मोटा और पतला जो अपन शुरू से कहती आई हूँ मैं मेहंदी के डिज़ाइन में, मोटे और पतले का ही कॉम्बिनेशन बैठता है, वैसे ही इसमें भी आपको वही कॉम्बिनेशन बिठाना है और इसमें अपन को लाइट फिल करना है। मेन पॉइंट है लाइट फिल करना, ना कि यही डिज़ाइन लेना, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। मैं बहुत ही आराम से इसकी आइज बनाऊँगी, आइज बनाने से इस मेहंदी का जो ये मेहंदी में ये एलिफेंट का पट्टा है ये बहुत ही उठ के दिख जाएगा और बहुत ही सुंदर लगेगा। कान पे मैंने लाइनें ले ली है ताकि कुछ वो खाली ना दिखे और थोड़ा अच्छा दिखने लग जाए, तो लाइनों से भी उसका उठाव अच्छा आ गया। अब आए अपन इसकी फिलिंग पे, फिलिंग करने में बस उसकी लाइनें जो है
कॉर्नर्स कॉर्नर्स, बस वो फील करना है। उसके अंदर अपन को बिल्कुल फील नहीं करना है, भले वो लाइट है लाइट रहने दो, पर उसके अंदर फील नहीं करना है बिल्कुल भी। तो ये अपन ने फीलिंग की, जैसा मैं आपको बता रही हूँ ये पूरा बेल्ट में क्रिएट करूँगी। अच्छा, तब तक मैं आपको बता देती हूँ कि मुझे इसमें क्या क्या दिक्कत आती है और मैं वो क्या क्या कवर करती हूँ, कैसे कवर करती हूँ। इसमें पैर का जो रहता है ना, यहाँ मोस्टली अपन को दिक्कत आती है कि भैया पैर के डिज़ाइन में दो ही पैर क्रिएट करें या एक और करें। पहले मैं उसको फिल कर देती थी, पर अगर हल्का सा पैर का डिज़ाइन आप रखते हैं तो वो बहुत अच्छा लगेगा, वो लगेगा कि वाकई एलिफेंट का डिज़ाइन है। दो पैर से वो आगे आगे का पार्ट दिखेगा तो वो मज़ा नहीं आ पाएगा। तो आप इस बात का तो पूरा ध्यान रखिए कि तीन पैर अपन को उसमें बनाने हैं, ठीक है। कान के वहाँ पे मैंने हल्का सा फील किया है, तो वो भी आप हल्का सा ही फील करें, बहुत ज़्यादा फील ना करें, नहीं तो बहुत डार्क दिखेगा। नेक्स्ट, पट्टे का एंड अपन कैसे करें, तो एंड करने में अपने यहाँ पर कितनी जगह है वो चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। ये नहीं मायने रखता है कि भैया उसमें कान का डिज़ाइन आएगा, उसमें कान का डिज़ाइन लेना ही है, उसमें उसका सिर का डिज़ाइन लेना ही है, ऐसा नहीं है। सिर्फ पीठ भी अगर आप बनाते हो, आपका एंड वहाँ भी करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड का डिज़ाइन नहीं दिखता, बस ऐसा लगता है कि हाँ एंड हो गया है, ठीक है। एंड करना पर प्रॉपर है, ठीक है, ऐसा नहीं हो कि वो आपने फिल कर दिया, ये बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि ये अगर आपने किया तो ये चीज़ पूरी बिगड़ जाएगी। ऑलमोस्ट चीज़ें मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ कि कैसे बनाना है और क्या करना है, तो उन पे आप अच्छे से कॉन्सनट्रेट करें। बहुत अच्छी टिप्स मैंने आपको उसमें दे चुकी हूँ इसके पहले में, तो फिर भी मैं उसको हाईलाइट करके आपको बता देती हूँ। एक पैर का ध्यान रखना है, फीलिंग अच्छे से करनी है, आइज़ प्रॉपर बनानी है और एंड अच्छे से करना है। कहते हैं ना स्टार्टिंग अच्छी होती है तो एंड भी अच्छा होता है, वैसे ही अपन को यहाँ पे एंड भी अच्छे करना है और स्टार्टिंग भी अच्छी करनी है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। कोई भी अगर मिस्टेक होती है या नहीं समझ आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अब मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मेरी एलिफेंट की डिज़ाइंस, जो कि आपको बहुत जल्द इंस्टाग्राम पर देखने को मिल जाएगी।